कर्नाटक के मैंगलोर में 28 साल के एक युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वह दूसरे समुदाय की लड़की से बात कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में 13 लोग पकड़े हैं। कर्नाटक के मैंगलोर में दूसरे समुदाय की लड़की के साथ बात करना एक युवक को भारी पड़ गया। समाज के कुछ ठेकेदारों ने 28 साल के युवक की जमकर धुनाई कर दी। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स की पिटाई की। घटना का वीडियो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाकये का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। किसी भी धर्म जाति के लड़का लड़की आपस में मिलजुल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ केवल एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं। और ये जो वहां तो कर्नाटका में राम सेने मुथल्लिक जिन जो इनके अध्यक्ष है, जिन्होंने क्या तबाही की थी, एक बार रेस्टोरेंट में घुस के कैसे पीटा था उन्होंने लड़कियों को और लड़कों को, और तब उसको अपोज किया था थ्रू द पिंक चड्डी कैंपेन। दिस इज वेरी शॉकिंग एंड व्हेन वुमेन विल बी गोइंग आउट मेन आर देयर दे बिकम फ्रेंड्स एंड इट इज सो वेरी नेचुरल दैट देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ मॉरल पुलिसिंग थ्रू बीटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि दूसरे समुदाय की लड़की के साथ बात करने को लेकर ये लोग नाराज थे, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया। राजनीतिक लोगों ने भी इस घटना की आलोचना की है। कम्युनल एजेंडा लेके आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर में कासदौर एक कोई नई बात नहीं है। जो लड़की लोग जब रेस्टोरेंट में थे उधर उन लोगों को मारा है, और ये जो एक तालिबान टाइप है उधर, हिंदू तालिबान टाइप है, ये लोग कम्युनल पोलराइजेशन करने के लिए हर कदम पे ये लोग कोशिश करते हैं। और जो कम्युनल नफरत फैलाते हैं उसको पुलिस ने सख्त कार्रवाई करना है। मैंगलोर में 2009 से मॉरल पुलिसिंग के नाम पर लड़के लड़कियों की पिटाई के मामले सामने आते रहे हैं। इसके लिए शुरू से ही बजरंग दल और श्रीराम सेना के सदस्यों पर आरोप लगता रहा है। इस समय मैंगलोर से ब्यूरो रिपोर्ट।